करबला पानी तो नहीं है बड़ा करबला करबला नाजरीन, हम आज प्रेस क्लब कराची के सामने खड़े हैं। यहाँ पर कोई सेवन के आज पजीर हैं जो गैस कंपनियों के नायब साहबों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आए आप उनसे आज बात करते हैं, उनके कौन से मुतालबे हैं, कौन से आपके मुतालबे गैस कंपनी कौन से नाजायज हैं नायब साहब कह रहे हैं आपसे? हमारे मुताबिक ये बिल्कुल कानून के मुताबिक आर्मी कानून के मुताबिक हैं। जहाँ पर भी आयल एंड गैस कंपनियाँ जाती हैं वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतों से लेकर ज़मीनों के मुआवजों तक जाप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये ही नई कंपनी 20 साल से हमारे इलाके में कब्जा होकर बैठ गई है और न इन्होंने ज़मीनों के मुआवजे अदा किए हैं, न ही इलाके में कोई तरक्याती काम किए हैं। तो इन तमाम चीज़ों से को लेकर हम आज 13वां दिन है यहाँ प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं। सिर्फ के मुख्तलिफ शहरों में हमारे हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के हुक्मरान और ये नई कंपनी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तकरीबन 3000 तक एकड़ जो है ज़मीन के वो ये नए कंपनी, पहले लास्मो कंपनी थी, लास्मो के ये खरीदे है अभी ये नए ने, तो 3000 एकड़ पे वो हमारे को ज़मीनों पे कब्ज़ा किए बैठे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और तकरीबन 20 साल से ये कि उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल, हमने एहतजाज किया थे शुरू में 2000 में, तो 3 साल लगातार एहतजाज करने में उन्होंने 2 बिल्डिंग बनाई थी स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, मगर जैसे वो बिल्डिंग बनी उनमें कोई भी क्लास नहीं चला। एक काई में एक नैंग में 2 बिल्डिंग बना के छोड़ दिए और 7 से रास्ता है 50 से 60 किलोमीटर, अभी तक कोई उन्होंने काम नहीं किया। आज आज आप भी चल के देखेंगे तो रास्ते की ऐसी हालत है, तो वहाँ के लोग अगर बीमार हो जाए तो तड़प तड़प के मर जाते हैं, मगर अस्पताल पहुंचने में उनको इतनी लेट होती है कि रास्ते में ही फोत हो जाते हैं। ये मुतालबे लेके हम आए हैं कि ज़मीनों के हुकूक दिए जाएं और हमारे इलाके में सेहत की सहूलत, स्कूल की सहूलत और जो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ काम कर रही है उसकी ट्रेनिंग देकर हमारे मुलाजम वहाँ रखे जाएं। और ये सारे मुलाजम बाहर से लेके आते हैं, हमें ये बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे लोग बेरोजगार हों, हमारी ज़मीनों पे कोई कंपनी आके बैठे, फिर भी हम बेरोजगार हों और बाहर के लोग रोजगार, उनको रोजगार मिले, इसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं। वो ये सीएम मुराद अली शाह का हल्का है और एमपीएस है, आपका कोई ऐसे कोई रब्ता किसी शिकायत की? जैसे हम तकरीबन ये अलमिया इस मुल्क का 20 साल से सबको लिख रहे हैं, TCS कर रहे हैं, मुराद अली शाह को खुद पता है इन चीज़ों का। हम यहाँ पर 13वां दिन है, उस दिन नासिर हुसैन शाह यहाँ पर आए थे प्रेस क्लब में, तो हमने उनका घेराव किया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपका केस लेकर जा रहा हूँ CM साहब के पास, हम आपका मसला जल्द हल करेंगे, आप भूख हड़ताल ख़त्म करें, लेकिन यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं। आप यहाँ पर हम जो लोग बैठे हुए हैं हमारे इलाके में, हमारी अपनी ज़मीनों में जो मारूसी ज़मीन है उस पर 11 गैस के गैस और तेल के कुएँ हैं, उसके अलावा वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है 200 एकड़ पे, तो वहाँ पर हमारे लिए रोज़गार नहीं है। और हम ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पर फुटपाथ पे गुजरे 13 दिनों से, लेकिन यहाँ पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और तमाम अदारों को हमने लिखा है, किसी एक अदारे को भी हमने नहीं छोड़ा है, वो सारे सबूत हैं। हम पानी मांगते हैं या रोज़गार मांगते हैं तो हम पर FIR हैं, FIR हम पर 50 से ऊपर FIR हैं जिसकी कापियाँ हमारे पास मौजूद हैं। और इस तरह का अलमिया इस पूरी दुनिया में नहीं, हमारा इलाका पूरा इन लोगों ने भड़भांग कर दिया है और पूरे इलाके का जो डेमोग्राफी था वो चेंज कर दिया है, वहाँ के इन्वायरमेंट पर बड़ा असर हुआ है, वहाँ के जंगली जीवन पर असर पड़ा है,
लेकिन इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया है। मैं तमाम इदारों को अपील करता हूँ और सहाफ़ी बरादरी को और ह्यूमन राइट्स को कि आप एक मरतबा हमारे इलाके का विजिट करें, वहाँ पर जुल्म लोगों के साथ देखें, उसके बाद फैसला करें। अगर हम गलत हैं तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, नहीं तो हम अपने हकूक की जदोजहद जारी रखेंगे। जी, सेवन के रहाश पजीर सी एम मुराद अली शाह के हल्के के ये रहाश पजीर हैं। ये अपने हकूक के लिए या प्रेस क्लब और इसका मुतालबा है कि हमारे अपने ज़मीनों का मुआवजा दी जाए और वहाँ तरक्याती काम कराया जाए और इस तंजीम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तफा कुहार को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।